स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की एक अपडेट पर। यूपी ट्रिपल एससी ने अपने एक नोटिफिकेशन द्वारा बताया है कि जो पेपर 15/7/2018 को हुआ था उसमें 10 प्रश्न गलत पाए गए थे, जिसमें से 6 प्रश्नों पर सबको ग्रेस मार्क मिलेगा। तो इसके लिए आज यानी 18 अगस्त को एक पेपर कटिंग भी आई है और आयोग ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। तो इस वीडियो में हम आपको नोटिफिकेशन और पेपर कटिंग दोनों दिखाएंगे। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर जॉब्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो इसके लिए जो पेपर कटिंग आई है वो हम आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर हेडिंग है कि सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा भर्ती। यहाँ पर है कि अभ्यर्थियों को 6 प्रश्न पत्रों पर मिलेंगे ग्रेस अंक। तो ये भर्ती है 2016 की सामान्य चयन प्रतियोगिता परीक्षा 2016-2। इसमें जो प्रश्न हुए थे उसमें कुछ प्रश्नों पर आपत्ति की गई थी और उसे ही आयोग ने संशोधित करके सबको ग्रेस मार्क देने का घोषणा किया है और यहाँ पे कुल मिला के 6 प्रश्न होंगे। तो इसके लिए आयोग की वेबसाइट पर भी एक कटिंग डाली गई है। आइए हम आपको आयोग की वेबसाइट भी दिखा देते हैं। तो देखिए इस समय आपके स्क्रीन पर वो कटिंग है और यहाँ पे हेडिंग है कि विज्ञापन संख्या 22 /2016 द्वारा सम्मिलित और अधीनस्थ सेवा चयन सामान्य चयन प्रतियोगिता परीक्षा 2016 सेकेंड के तहत जो परीक्षा हुई है 15/7/2018 को, इसमें जो पेपर की सीरीज थी ABCDEFGH, इसमें जो 10 प्रश्नों का संशोधन किया गया है और इसमें से 6 प्रश्नों पर सभी कैंडिडेटों को ग्रेस अंक प्रदान किया जाएगा। तो यही है पेपर कटिंग और नोटिफिकेशन। अगर आप पेपर कटिंग और नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यह परीक्षा हुई थी 15 जुलाई 2018 को और उसी में से 6 अंकों को सभी कैंडिडेटों को ग्रेस मार्क के रूप में दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ये पेपर कटिंग और ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करिए तथा अपने दोस्तों में शेयर करिए। फाइनली स्टडी और जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।